हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं बिजनेस जीके आप लोगों को बताऊंगा। बिजनेस जीके ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा एरिया है जो ज़्यादातर लोग पढ़कर नहीं जाते, और ये स्टैटिक जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर फेमस कंपनी पूछते हैं, उनका हेडक्वार्टर पूछते हैं, कौन से देश की है कंपनी, ओरिजिनली कौन से देश की है, या उनसे संबंधी और जानकारी पूछते हैं। ये है सिर्फ वीडियो पहला भाग, ये पहला भाग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके दूसरे भाग भी आप तक लेकर आऊँ फेमस कंपनीज़ के, इसमें मैं दुनिया में जो 50 कंपनी है टॉप वो कवर करूँगा, तो फेमस कंपनी और उनके हेडक्वार्टर। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस जीके। और हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है, ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सबके लिए उपलब्ध है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा, 9716523859। सबसे पहले कंपनी है वॉलमार्ट, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके एम्प्लॉयज़ हैं और सबसे ज़्यादा टर्नओवर अगर किसी कंपनी का है तो वो है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट रिटेल। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में, अरकानसास। सैमसंग, मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग, इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया। सैमसंग ही नहीं, एलजी गाड़ियों की कंपनी, ह्यूंडई, ये सब दक्षिण कोरिया की कंपनी है। फॉक्सवैगन या वॉक्सवैगन, ये कंपनी है जर्मनी की। जर्मनी अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत मशहूर है, और ज़्यादातर जो लग्जरी गाड़ियों की कंपनी है वो जर्मनी की हैं। और जर्मनी और जापान दो ही ऐसे कंट्री हैं जो गाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, पोर्श, फॉक्सवैगन, ये सब हैं जर्मनी की। वॉक्सवैगन भी है जर्मनी की, इसका हेडक्वार्टर है वॉल्सबर्ग। एप्पल, अभी आईफोन 7 लॉन्च किया है अभी, एप्पल गैजेट्स कंपनी, ये है कैलिफोर्निया। टोयोटा दुनिया की नंबर एक गाड़ियों की कंपनी है अगर नंबर ऑफ कार्स के हिसाब से देखा जाए। पिछले साल भी टोयोटा नंबर वन रही, पिछले 4 साल से नंबर वन है। टोयोटा ने पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां बेची एक ही साल के अंदर। टोयोटा कंपनी है जापान की। तो गाड़ियों की जो जापानी कंपनियां हैं जैसे टोयोटा, मित्सुबिशी, होंडा, सुजुकी, तो ये सारी हैं जापानी कंपनी। टोयोटा, इसका हेडक्वार्टर है आईची, जापान। गाड़ियों की दूसरी कंपनी होंडा, जिसका हीरो के साथ काफ़ी समय तक अनुबंध रहा, अगेन टोक्यो, जापान। AT&T, ये टेलीकॉम कंपनी है, AT&T, ये अमेरिका की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है डल्लास, टेक्सास। HP, अगेन बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है HP, IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है, बहुत सारे गैजेट्स बनाती है। HP कंपनी है अमेरिका की, कैलिफोर्निया, पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया। वेरिजोन भी एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है। वेरिजोन ने आपके लिए एक क्विज, वेरिजोन ने कौन सी एक बहुत बड़ी कंपनी खरीदी है एक महीने पहले? वेरिजोन ने एक बहुत बड़ी कंपनी को खरीद लिया है एक महीने पहले। ये खुद अमेरिका की कंपनी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और जिस कंपनी को खरीदा है वो भी अमेरिका की कंपनी है। आपको उसका नाम कमेंट्स में लिख के बताना है। एयरबस फ्रांस की बहुत मशहूर कंपनी है और बोइंग कंपनी की मेन कॉम्पिटिटर है। दो ही कंपनी है जो एयरबस और बोइंग जो कमर्शियल एरोप्लेन बनाती हैं, एयरबस और बोइंग, तो ये दोनों सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। बोइंग है अमेरिका की और एयरबस है फ्रांस की। पोस्को, ये स्टील इस्पात की कंपनी है साउथ कोरिया। बोइंग जैसा मैंने बताया एयरबस की कॉम्पिटिटर है USA। फीएट गाड़ियों की कंपनी है और इटली की कंपनी है फीएट। इटली उतना मशहूर नहीं है गाड़ियों के लिए जितना जर्मनी और जापान है, लेकिन दो कंपनियां बहुत मशहूर हैं इटली की गाड़ियों के लिए, एक तो है फीएट और दूसरी है फरारी। फीएट और फरारी। निसान, ये भी गाड़ियों की कंपनी है, अगेन जापान। टोयोटा जैसा मैंने बताया जापान। BMW कंपनी है जर्मनी की। ऑडी भी है जर्मनी का में इसका हेडक्वार्टर है। मर्सिडीज़ का हेडक्वार्टर भी जर्मनी में है। ह्यूंडई, बहुत सारी गाड़ियां ह्यूंडई की हैं साउथ कोरिया। फोर्ड गाड़ियों की कंपनी जो है ये अमेरिका की है। फोर्ड और जनरल मोटर्स दोनों ही अमेरिका की हैं। सुजुकी, मारुति से जिनका अनुबंध है, जापान। सुजुकी, जापान। रेनॉल्ट वेरी वेरी फेमस कंपनी, ये है फ्रांस की। वोल्वो कंपनी लगभग सब कुछ बनाती है, और वोल्वो कंपनी की बसें आती हैं, वोल्वो कंपनी के एयरक्राफ्ट भी आते हैं, वोल्वो कंपनी के और हज़ारों तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ बनाती है सुई से लेके जहाज़ तक। तो वोल्वो कंपनी है स्वीडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ कंपनी फ्रॉम स्वीडन। स्वीडन की एक और कंपनी है मशहूर जो फर्नीचर की कंपनी है, इसने अपना हेडक्वार्टर अब शिफ्ट कर दिया है। आपको इस कंपनी का नाम भी कमेंट्स में लिख के बताना, ये आपके लिए क्विज है। एक कंपनी है स्वीडन की जो फर्नीचर की कंपनी है, तो आपको उसका नाम कमेंट्स में लिख के बताना है। अशोक लेलैंड, ये इंडिया की कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे ट्रक्स एट्सेट्रा। हिताची कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जापान।
LG भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है दक्षिण कोरिया। वर्लपूल जो कि गैजेट्स की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है USA। एरिक्सन कंपनी है स्वीडन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नोकिया कंपनी अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है फिनलैंड। मोटोरोला कंपनी, अगेन मोबाइल फ़ोन मोटोरोला कंपनी, आज इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन एक वक्त बहुत बड़ी कंपनी होती थी, अमेरिका। वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी, UK ब्रिटेन। एक्सेंचर, इसका हेडक्वार्टर है आयरलैंड की राजधानी डबलिन में, आयरलैंड। इन्फोसिस भारत की कंपनी है, भारत की जो तीन सबसे बड़ी IT कंपनी है उनमें से एक है इन्फोसिस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है इंडिया, और टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर है मुंबई। याहू USA। गूगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, USA। गूगल के CEO इस वक्त एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचई, और गूगल कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। सोनी कंपनी भी है जापान की, हिताची और सोनी दोनों जापान की हैं। विप्रो कंपनी भारत की बहुत बड़ी IT कंपनी है। इंटल कंपनी है अमेरिका की। बारक्लेस बैंक बहुत पॉपुलर है क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग को होस्ट को मेन स्पॉन्सर यही है बारक्लेस बैंक, तो बारक्ले प्रीमियर लीग भी कह देते हैं उसे। बारक्ले बैंक इज ऑफ ब्रिटेन, UK। डॉश बैंक, इसको प्रोनाउंस करते हैं डॉश, डॉश बैंक है जर्मनी का। डेल मशहूर गैजेट्स कंपनी, डेल टेक्सास USA। IBM इज नंबर वन IT कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, इसका साल का टर्नओवर $120 बिलियन से ज़्यादा है, IBM है न्यूयॉर्क की। जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल मोटर दोनों हैं अमेरिका। पेप्सी को, जिसका पेप्सी एक प्रोडक्ट है, पेप्सी को कंपनी है न्यूयॉर्क। amazon.com जेफ बेजोस की कंपनी है, amazon.com वाशिंगटन अमेरिका। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, यानी अल्फाबेट के अंदर गूगल एक कंपनी है, तो ये है अगेन अमेरिका कैलिफोर्निया। अलीबाबा के फाउंडर हैं जैक मा, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में जैक मा कौन है। अलीबाबा सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है चाइना की और वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। अलीबाबा पे $200 बिलियन से ज़्यादा का साल का ट्रेड होता है और ये एक मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करती है। अलीबाबा जैसे भारत में अमेज़ॉन है, चाइना में अलीबाबा है चाइनीज़ कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के भी CEO भारतीय हैं इस वक्त, इनका नाम है सत्य नडेला। यस, सत्य नडेला हैदराबाद के हैं वैसे, और वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का। हुआवी कंपनी है शेंजेन चाइना, हुआवी। ये था भाग एक मशहूर कंपनियों का। अगर आप चाहते हैं कि मैं भाग दो भी लेके आऊँ तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा। और इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, एक वेरिजोन ने कौन सी कंपनी खरीदी है पिछले महीने, बहुत बड़ी कंपनी है, और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वीडन में शुरू हुई एक ऐसी फर्नीचर की कंपनी बताइए जो पूरी दुनिया में जिसने धूम मचाई हुई है, और भारत में भी उसका अभी स्टोर, सुपर स्टोर खुलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।